इतना खर्चा हो गया मालिक तो 50 रुपए का और खेल ही लेते। अच्छा लग रहा है थोड़ा मेरे साथ इतनी बातें YouTube। आई एम सुरवंत सिंह, आप सब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंग्स विजुअल्स में। और आज है डे टू हमारा मनाली, डे टू नहीं पहला दिन ही मानो मनाली में, क्योंकि अभी तो आया, अभी ब्लॉग एंड किया, अभी स्टार्ट कर दिया, एपिसोड टू है, चल रहा है, चल दिख रही डाटा रहा है, इधर आ जाते हैं। तो हमारे बंधु लोग पीछे हैं दोनों, अब आ रहा होगा अब तो, अब आ रहा है। तो व्लॉग चालू हो चुका है, खमागणी हमने ब्लैक एंड ब्लैक में कर लिया है। तो अब हमारा नहा धो के रेडी हैं, टैक्सी वाले भैया आएंगे हमें ले जाएंगे घुमाने, पूरा टूर कराएंगे। तो यह है एपिसोड टू, आज पूरा मनाली, ओल्ड मनाली वगैरह हम आसपास जगह पे घूमेंगे, मंदिर वगैरह जाएंगे, मणिकरण हडिब्बा टेम्पल इधर साइड हम लोग, मणिकरण परसों है तो हडिब्बा टेम्पल वगैरह, ओल्ड मनाली मॉल, माल रोड तो यहाँ सब जाएंगे। और कल है हमारा रोहतांग का सीन, तो आज थोड़ा मनाली मनाली घूमेंगे लोकल, तो हम थोड़ा अच्छे एकदम तैयार भी हो गए। अभी तक तो नहीं फूल रही, अभी तक तो सांसें नहीं फूल रही है, अभी तक तो नहीं फूली है, अभी तक तैयार हो चुके हैं, ये टोवे सूख रहे हैं, परिंदा उड़ाते, क्योंकि यहाँ से हम परिंदा नहीं उड़ा पा रहे, हमारा नीचे चलता है, पहले तो पूछेंगे उड़ा सकते हैं कि नहीं, फिर हम उड़ाएंगे, वरना पता पड़ा जमा। हाँ वो भी है, देखते हैं, चलो नीचे चलिए आप भी। तो अभी थोड़ा चल के जा रहे हैं गलियों गलियों में, और मैं अभी मेरा मोबाइल ऊपर भूल गया था, तो वापस जाना पड़ा ऊपर जल्दबाजी में, लापरवाही का नतीजा। हम लोग आए हैं नाश्ता करने बाहर, तो आलू के पराठे मंगाए हैं और मसाला चाय, तो आने दो फिर एंजॉय करते हैं। लड़के लोग वेट कर रहे हैं, अभी आया दोनों सॉरी हमारा होटल समंथा करके है, क्या नाम है यार, एक बार बोलना, तो मैं समथा करके ना इधर साइड में है यार, क्या है एकदम से एग्जैक्ट हमें नाम याद नहीं, पर समथा पैराडाइज करके, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो पेट पूजा हो चुकी है और हम इधर उधर घूम रहे थे इतनी देर, और भैया इधर ही खड़े थे, भैया आपका नाम निखिल, तभी 3 दिन आप भी, हाँ जी सर, तो निखिल जी हमारे साथ रहेंगे 3 दिन, जो भी फ्री होगी वो आ जाएगी, फिर तो करते कौन कौन सी अपने पास सर, अपने पास ऑल्टो स्विफ्ट ट्यूबी डिजायर स्कॉर्पियो ला हूँ यार, कल स्कॉर्पियो लाना रहता है, यही पर होता हूँ इसी होटल में। अच्छा अभी सब छुट्टी में गए, मेरी ड्यूटी होती है कोई, और आज ड्राइवर में भी जा रहा हूँ। अच्छा तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले सबसे पहले हडिब्बा टेम्पल जा रहे हैं, हडिब्बा टेम्पल जा रहे हैं, ठीक है चलते हैं। यहाँ से कितनी दूर है हमारे सर भाई, तो ये बताओ कि अपन ड्रोन कहाँ कहाँ पे उड़ा सकते हैं, तो
हडिम्बा टेम्पल के लिए इस रास्ते से जा रहे हैं जो एक रास्ता था पैदल। एक बॉल भी कर कैश प्राइस छोड़ भाई, फर्स्ट बॉल में कराते हैं ग्लास 1000 कुछ कैश प्राइस, सेकंड बॉल में कराएगी 200 रुक जाओ। हां रुक जाएगा तो पैसा छोड़ भाई, सुनो सुनो तीन बॉल में करानी होती है। हां एक बॉल में सारे गिर गए 1000 तुरंत मिलेगा कैश प्राइस, सेकंड बॉल में कराते 200 तब भी मिलेगा, तीसरी बॉल से कराएंगे 100 तब भी मिलेगा, और एक भी नहीं गिरा तो हमें कुछ देना तो नहीं, 50 भी देने तीन बॉल खेलेगा मानना भी आगे ट्राई करे। चलो ट्राई करते हैं, आए हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे। अरे हमारे मिस्टर क्रिकेटर, चलो अरे यार चल चल, अरे ऊपर ऊपर नीचे मार नीचे मार नीचे मार, अरे 50 रुपए तू कर किसने किलर मिलर यार भाई देखा नहीं ये वीडियो बना रहे कि नहीं, इतना खर्चा हो गया मालिक तो 50 रुपए का और खेल ही लेते हैं ठीक है, यहीं से मारना ना ठीक है भाई। अरे अरे यार आपसे यही उम्मीद थी, आपसे यही उम्मीद नहीं थी तो हम इंडिया की तरफ से खेल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इनको भेज दिया तो कुछ नहीं हो सकता इनको खास कर। आप खेलेंगे छोड़ भाई? नहीं सर, अरे खेला किलर मेरे कर मारे चक्के चक्के, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा स्काई किलर मारे चक्के चक्के, हो गए थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम, इसके साथ फोटो खींच रहा हूं इसको तीर तीर मारता, चलो निशाना अरे यार वो सही गई थी, वो नीचे थोड़ी और चली गई, इधर भी यही है दीपू रीलर ये शूट करते हैं यार कैमरे से दीपू ने भी कैमरा हैंड ओवर कर लिया, ये मेरा चैनल हैक कर लिया तो आप देखते रहे कैमरामैन दीपू के साथ, आपका अपना लड़का सुरीबाद ध्यान से देखोगे तो दो दो चश्मे लगा रखे हैं, अरे अपना स्टाइल है लोगों को पता। हडिम्बा टेम्पल, बड़ा ही खूबसूरत पेड़ों से घिरा हुआ यह मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है। हडिम्बा एक राक्षसनी थी और भीम की पत्नी भी थी, उनके संतान घटोत्कच थे जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। हडिम्बा की मृत्यु के बाद वो मानवी देवी बन गई और इनका मूल स्थान कोई भी हो पर उनका देवीकरण मनाली में ही हुआ था। इस मंदिर के भीतर प्राकृतिक चट्टान है जिसके नीचे देवी का स्थान माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कुल्लू के शासक बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। यहाँ आकर हमें अलग ही शांति मिली और सुकून सा महसूस भी हुआ। आगे की तरफ आओ, यहाँ पे आ गया, और आ गया, और आ गया, बस 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 आएगा, फुल लोग आ रहा है। सो अभी अभी हम लोग अंदर गए थे
मंदिर के, तो वहाँ पे दर्शन करके आए। काफ़ी अच्छा था, अंदर शूट वूट करना मना, और अभी हमने ड्रोन भी उड़ाया था तो वो भी अलाउ नहीं किया, वीडियो डिलीट करा दी, लेकिन हम तेज़ हैं, आप लोगों को पता है, तो आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट। तो बस यही है, बाकी अच्छा है मंदिर, आप लोग आए तो यहाँ पे ज़रूर आए, अच्छा एनवायरनमेंट है, हरियाली हर जगह, तो अच्छी जगह, अलग ही वाइब है यहाँ की। अभी मैंने जैकेट चेंज कर लिया, मेरा जैकेट घूम रहा है, मैंने उसका पहना, मेरे पे ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो चलते हैं, चलो यहाँ से। हाँ वापस। ये बहुत प्राचीन मंदिर है हडिम्बा टेम्पल, इसमें भीम जी की पत्नी, इससे पहले ये हडिम्बा माता जो है ना, ये राक्षसनी थी, शादी होने के बाद इन्होंने तपस्या की और उसके बाद देवी का स्थान मिला इन्हें। धन्यवाद। स्पीच निखिल भाई ने स्पीच दे दी है। तो ये है यहाँ का, और कितना पुराना है, लाइक करो, फॉलो करो और सर्च कर लेना कितना बोला ना, ये बाकी यूट्यूब वाले डालो। उनको बता दूंगा मैं वो थोड़ा अपने सीन, अपने को तो वॉइस ओवरिंग में आपको जरूर बताऊंगा घर जाके जब एडिट करूंगा, तब तक तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने शूट करके डाल लिया होगा। अच्छा फोटो ले लिए हैं, बन गई है, धीरे से बोलेंगे लोग सुन लेंगे। सोल्जर हमारे साथ है, ये पता नहीं क्या खरीद रहे हैं, पिंक वाला ना वो निकाल दो, ये इनको पिंक बहुत पसंद है, पिंक मेरे को नहीं, पिंक रीनी जी जाके लिए है, ये वाला, हाँ ये वाला, ये तो छोटा है बेटा, क्या छोटा कितना है दिखाओ ना, ठीक है ना, बड़ों को चाहिए ना, हाँ आ जाएगा ना, उनके आ जाना चाहिए, फोटो भेज दो, नहीं हल्की है कि पतले है, नहीं नहीं थोड़े थोड़े मोटे, ज्यादा भी मोटे नहीं है ना ज्यादा पतले है, ठीक है। हर एक भाई को अपनी बहन मोटी लगती है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में, हाँ सर आप क्या खरीद रहे हो, सोच रहे हैं तो खरीदारी करी है हमने घर वालों के लिए, जो खुद के लिए सोचा था वो वो तो अब सोचा ही है हमने, इन सब में एक ही आता, इन सबको मिला के फिर वो एक आता, तो अभी यहाँ पे चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं अपन, बेटे का मंदिर बना हुआ है, हाँ कटोत्कच जी का टेंपल देखने जा रहे हैं हम, ये वाला ना, राम मंदिर है ना, तो अभी हम लोग आए हैं राम मंदिर में, राम जी के, और यहाँ पे गर्म पानी का भी है पूरा, वो भी अभी आपको दिखाएंगे हम लोग, चलते हैं, देखिए एकदम क्या तरीके से बना रखा है, पेंट गिली हो गई है, सही बात
सर इतना मिलता तो फिर देखना पड़ेगा इधर पीछे गरम पानी है दोस्तों सो ये है हॉट वाटर भाई खतरनाक यार नेचुरली कहीं से गर्म पानी आ रहा है ये भी एक रास पूरी फैमिली में स्नान करते हुए साबुन और तेल का प्रयोग तो राम मंदिर तो ये है यहाँ पे वहाँ से ऊपर चढ़ के वो मंदिर है तो गर्म पानी का पूरा बना हुआ है कुंड राम मंदिर पूरा ये है जो काफी सही बना हुआ है यहाँ से चला जाए और ये दोनों समझ जाओ इसी बात पे YouTube पे डालने के लिए होती है नजारा देखो अच्छा लग रहा है थोड़ा हमारी बगड़ी का नजारा अच्छा है यहाँ पे ये भी है मेरे साथ इतनी बात है YouTube सो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से मंदिर से होते हैं हम थोड़ी खरीदारी करने गए थे लेकिन खरीदारी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो हम भी हमने कुछ नहीं खरीदा अभी आ गए हैं तो अभी थोड़ी सी पीछे बढ़ चुकी है गाड़ी सवारी आई है उनको मॉल रोड तक छोड़ना है और आप कुछ की छोड़ना है यहाँ पे सबको जल्दी है थोड़ा लोग लड़ाने लगे इधर इनको हिंदी नहीं आती जो बैठे है बस एक भैया है हिंदी आती है जिनको हिंदी आती है बाकी सब अंग्रेज है चलो यार अभी चलते हैं सर क्या टाइम हो रहा चार चालीस हो चुके हैं पाँच घंटे बाद भैया हमारे ऑफ रोड राइडर खतरनाक कह रहा हूँ कहाँ कहाँ से उतार दिए गाड़ी आज क्या भाई लो पहुंच चुके हैं तो अब यहाँ पर ये जो लोकेशन आप देख रहे हो परिंदा उड़ाया जाएगा यहाँ पे बस कोई वापस आके रोक टोक नहीं करते ज्यादा नहीं करना कोई आता देखो देखो इतना सारा पानी चलो भाई नदी क्रॉस करके बीच में तो हमारे जूते की वजह से सूखेंगे नहीं है मतलब तो कोई नहीं हम इधर ही स्टे करेंगे ये हमारी कहानी के एक और किरदार है सबसे जोरदार किरदार है निखिल भाई मनाली से यस सर खतरनाक गाड़ी चलाता है टैलेंट है भाई टैलेंट सही है रेसिंग में जाया करो अब तो मैं कह रहा हूँ पड़ेगा भाई वहाँ जाओ आप तो सीधे ऑफ रोडिंग होती है ना गाड़ियों के ऊपर ऊपर स्पीटी वगैरह में ठीक है क्या बात कर रहे हो ऑफ रोडिंग रैली रूली में नहीं कहना अच्छा ऐसे ही शौकीन ही रैली में जाने का अरे जाओ यार मजा आएगा अभी आपने जिप्सी अगर जिप्सी कल खुली हुई तो मैं जिप्सी लेके आ जाऊंगा जिप्सी में तो और ही एंजॉय ठंड लगी खुली है क्या अच्छा तो खुली में ठेट ऊपर खुली दोनों ही है खुली भी है बंद भी अगर बाय चांस फ्री हुई कल तो कोई लेके आ जाएगा देखो रोहतांग में ठंड भी है तो उसी तरह बंद वाली भी चलेगा वाली नहीं तो खुली भी देख लेंगे देखते हैं अब कल रोहतांग का सीन है देखो क्या होता है हाँ पकड़ू आज हम फिर से अलसीगढ़ में उड़ाया था और आज यहाँ उड़ा रहे हैं ये ड्रोन छोड़ो गया परिंदा आसमान में
तो अब देखो परिंदे के शॉट। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम रूम पे गए थे, तो अब यहाँ पर आए हैं हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पे। तो यहाँ पे मोनेस्ट्री है, छोटी सी बड़ी सी पता नहीं क्या है, तो अभी अंदर जा रहे हैं, फिर इसके बाद मॉल रोड घूमेंगे, मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे, फिर होटल पे जाके खाना वाना खाएंगे, डिनर करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम आ चुके हैं मोनेस्ट्री, तो बड़ी सी दिख रही है, दिन में तो फोटो भी है। अभी हमारी शक्ल क्या पता सही से आ रही नहीं आ रही हो, इधर चलते हैं। बाकी यार गार्डन है तो पूरा पार्क देखी बात नहीं। तो बेसिकली ये है इधर चलते हैं, इसका फोटो खींच लेते हैं यार, रुक जा थोड़ा फोटो वोटो खींच लेते फोन से। सो मोनेस्ट्री से तो निकल चुके हैं, इतना कुछ नॉर्मल से दर्शन कर लिए हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सिनेमैटिक में दिख रहा है, बाकी माहौल थोड़ा वातावरण अच्छा हरा भरा सा था। गर्मी एहसास हो गई हम लोग में, हाँ थोड़ा चलते हैं अब माल रोड पे, अब यहाँ से निकलते हैं। क्या देख रहे हो आप लोग, हमें भी क्या दिखा रहे हो? पानी पूरी वाले बनने की इच्छा हो रही है हमको या मोमोज वाले, हम सोच रहे हैं यहाँ पे बिजनेस इन दोनों से किसी एक का डाल दे। यहाँ पे क्या है, चल देखते हैं, चलो देखते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है मॉल रोड, कीप माल रोड, लाइटिंग की लाइटिंग है, हाँ है लाइटिंग का, इससे ज्यादा सिटी पैलेस की है मेरे यहाँ पे, हाँ बस वही है कि इससे ज्यादा सिटी पैलेस की हमारे। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये माल रोड ही है, मॉल रोड नहीं है। ले ले क्या, कितने की? 150 रुपये, 150 रुपये की जलेबी, रबड़ी, सारी रबड़ी, अरे वो तो ऊपर डाल के आएगा रबड़ी, हाँ मैं साइड में से खा लूँगा, अरे खा लूँगा रे, अलग अलग देना है। क्रिस्पी है दोस्तों, हम फूड ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ, मीठा मीठा है, करारा सा स्वाद है, आप लोग आके ट्राई कर सकते हैं। और ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ तो और अलग ही मजा है दोस्तों। और ऐसे फूड ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करो, फॉलो करो, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अपना उधर ही से आगे मॉल रोड घूम लिए दोस्तों,
माल देख लिया है, जुगाड़ भी ले लिया है, बस हम थक चुके हैं, जाके खाना वाना खाए और रूम पे जाए। ऐसा भी कुछ मॉल रोड जितना हाई फाई बता रखा था कि मॉल रोड वैसा भी इतना कुछ नहीं है। ठीक है ओके ओके। लाइटें कम है इतनी तो सिटी विलेज यहाँ पे होती है। चलो चलो रूम पे। हमारे भाई साहब, हमारे हेवी ड्राइवर नीचे खड़े, निखिल भाई। यही सही रोक दो। चलो बड़ा महंगा है आपका तो माल रोड यार, बहुत ज्यादा। हाँ यार, लिया क्या कुछ? ना कुछ नहीं लिया, कल कुल्लू जाते हुए लेना भाई, वहाँ पे सस्ता है। चलो देखते हैं घर वालों के लिए या कुछ भी, किसी के लिए भी ड्राई फ्रूट्स भी घर वालों के लिए। अब यहाँ से वापस पैदल ही हम हमारी होटल तक जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना है कि इसमें एक दो घंटे निकल जाता है। तो यहाँ से अभी चलते हैं। चलो रे, 33 कौन सा है? 33 नंबर। तो आ गए हैं रूम पर और बस अब थक चुके हैं। कल है रोहतांग वाला दिन, तो कल जाएंगे रोहतांग के लिए। तो अभी हम हमारी थोड़ी सी पार्टी करेंगे और कल इस लौंडे का बर्थडे है तो रोहतांग में मनाएंगे इसका बर्थडे। पानी पीने वाला तो ठीक तो बस आज के ब्लॉग के तरह से समय इसको बाय बाय टेक केयर की स्मेलिंग लिए वीडियो लाइक थक गए बाय 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 करो। मिलते हैं आपसे कल रोहतांग के लिए। थक चुके रोहतांग 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 बाय। जीरो फ्लोर पे क्या है पता चल गया। पार्किंग जहाँ हमारा मतलब ही जाने से। थोड़ा सा ऊपर होता स्क्रीन मिल जाएगी तो सही नहीं आएगा बाद में।